सरकार द्वारा भले ही महिला सशक्तिकरण का दावा किया जा रहा है, महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण करनाल में कुछ महिलाओं ने दिया है। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के सेक्टर 12 स्थित दो ऐसी रेडियो की संचालिकाओं से बातचीत की जो कि महिलाएं हैं, जो कि विगत कई वर्षों से इन रेडियो के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी सारी कहानी भी बताई कि कैसे और क्यों उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरों के आगे हाथ पसारने से अच्छा है कि अपने हाथ पैर चला लिए जाएं और मेहनत से अपना और अपने परिजनों का पेट भरा जाए। लेकिन उनके मन में इस बात की टीस जरूर रही कि जैसा सरकार वायदा करती है उस पर कभी खरा नहीं उतरती, कभी पुलिस तो कभी निगम उन्हें तंग करने आ जाते हैं और उनके पेट भरने के जरिए को उठाने की धमकी देती है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पुलिस अथवा निगम द्वारा धक्के से ही उनकी रेहड़ियों को हटा दिया जाता है, जो कि गलत है। इस बारे दोनों महिलाओं का कहना है कि जब एक तरफ सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है तो वही दूसरी तरफ उनके सामान को उठा कर ले जाना कहां तक उचित है। हालांकि नगर निगम इस बात की दुहाई देता है कि ये अतिक्रमण है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या महिलाओं के सम्मान के आगे अतिक्रमण अधिक आवश्यक है। बाजारों में सामान्य तौर पर अतिक्रमण देखा जा सकता है, तो ऐसे में अगर ये महिलाएं सड़क किनारे खड़ी होकर अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार को पाल रही हैं, तो यह कहां तक अनुचित है। इन सब प्रश्नों का जवाब इन महिलाओं को भी चाहिए और समाचार एक्सप्रेस को भी। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार। मैं आपको बता दूं कि इस समय खड़ा हूं करनाल के सेक्टर 12 में। मैं आपको बता दूं कि कहीं महिलाओं को उनको कमजोरी महिलाओं की कमजोरी को माना जाता है, महिलाओं को कमजोर माना जाता है, लेकिन हमारे करनाल में कुछ ऐसी महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि अपनी कमजोरी को दूर करके, यानी कि अपने प्रयत्नों से उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि वो आज भी पुरुषों के मुकाबले से कहीं अधिक आगे खड़ी हैं और वो अपना नहीं अपने परिवार का पूरा पालन पोषण भी कर रही हैं। ऐसी कई महिलाएं हमारे करनाल में मौजूद हैं जो कि अपनी दिनचर्या के हिसाब से काम भी करती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं। और इसे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल का एक अन्नपूर्णा रसोई है। मैं इनकी संचालक से बात करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो महिला हैं इनका नाम ईशा कपूर है और ये करनाल से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी दिल्ली में हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इनको वापस करनाल आना पड़ा। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपना काम चलाती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी करती हैं, लेकिन किसी की मोहताज नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ कि महिलाओं को कम आंकना आज की डेट में बिल्कुल भी गलत साबित होगा, क्योंकि महिलाएं किसी भी रूप में, किसी भी साधन में, किसी भी संपन्न में, किसी भी रूप से पुरुषों से कहीं अधिक आगे हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो घर हो, चाहे, क्योंकि घर को संभालने वाली महिलाएं होती हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम एक चीज़ बताइए, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ईशा कपूर है। ईशा कपूर मैम, आप कब से ये काम कर रही हैं? सर 5 साल से। मैडम, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये काम करने की जरूरत आनी पड़ी? सर, मेरे हस्बैंड की डेथ 2000 में हुई थी, मतलब 20 साल हो गए, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मेरा जो बेटा है अब उसका एक्सीडेंट हो गया था 2014 में, उसकी टांग कट गई है, वो ऑटो चलाता है, हैंडीकैप है मेरा बेटा। तो बेटी की मेरी शादी मैंने कर दी बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मेरा दिल्ली में एक होटल था जो कि मैंने 3-4 साल से मैं चलाए रखी थी उसको, तो मेरी वहाँ चोरी हो गई थी, रातों रात चोरी हो गई थी, मेरा काफ़ी नुकसान हो गया था, उसके बाद मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं चल नहीं पाया काम। फिर धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे काम किया, उसके बाद मैं करनाल में शिफ्ट हो गई। फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से अपने आप को स्टार्ट किया। फिर मैंने एक छोटा सा काउंटर लिया था जो मैं सिर्फ चाय काम शुरू किया था। धीरे धीरे मैंने परांठे शुरू किए जो कि मेरे परांठे मशहूर हो गए, जो मैं चटनी, मक्खन और मिक्स परांठे, आलू के, गोभी के, मूली के परांठे देती हूँ। मैडम, आपको ऐसा काम करने की जो काम की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि बेटा हैंडीकैप है, हस्बैंड है नहीं, तो अकेले ही कमाने वाली हूँ,
मैडम ऐसा है आज की डेट में महिलाओं को अक्सर कमजोर माना जाता है, महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हा चौका ही संभाल सकती हैं, सिर्फ घर तक ही सीमित है, सीमित तक है। लेकिन आपने बाहर निकल के इतनी बड़ी दुकान भी अपनी खड़ी कर ली, इसके पीछे आप सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है आपको किससे मिला? सर मुझे अपने आप से हिम्मत मिली है, क्योंकि जब लगता कोई है नहीं ना तो खुद ही करना पड़ता है, खुद से हिम्मत मिली है करने की और खुद ही हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की है और आज इस प्रभु की कृपा है कि मैं यहाँ तक तो पहुँची हूँ। अगर मैडम हम आपका स्थायी निवास पूछे तो आप यहाँ से बेसिकली आप करनाल से बिलोंग करते हैं, आपने हमें बताया दिल्ली में आपकी शादी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड की एक्सपायर हो गए और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, गुड़िया की आपने शादी कर दी, अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ यही काम आगे बढ़ जाए, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा परांठा खाएं और उसका टेस्ट देखें और बताएं कि कैसा बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैं घर जैसे परांठा बनाती हूँ, जो लोग खाते हैं वही तारीफ करते हैं कि अच्छा बनाया और चटनी भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा परांठा लोग खाएं, मेरी ये इच्छा है कि लोग मेरा परांठा खाएं और उसका टेस्ट बताएं। और मैं मैगी बनाती हूँ बहुत अच्छी, वेज मैगी बनाती हूँ, हर तरह की मैगी बनाती हूँ। मैडम कुछ महिलाएं ना अभी तक अपने घर तक ही सीमित हैं, अपने परिवार तक ही सीमित हैं, चाहे वो उनके साथ कुछ मर्जी हो जाए लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सभी महिलाएं बाहर आएं, काम करें, कुछ देखें, दुनिया देखें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आगे जैसे हम लोग आगे बढ़े वो भी आगे बढ़े, देखें दुनिया को कि कैसे चलाना चाहिए। देखिए ये थे हमारे साथ ईशा कपूर जो कि अपना अन्नपूर्णा रसोई को चला रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि 5 साल से ही यहाँ पर हैं तकरीबन, पहले इन्होंने अपना चाय का स्टॉल लगाया था लेकिन इसके बाद बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने अपना मैगी का और परोंठे का काम स्टार्ट कर दिया। 2000 में इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, हो गई थी, उसके बाद इनके बेटा जो इनका जो इकलौता बेटा है वो भी एक्सीडेंट में हो गया, चोटिल हो गया, गुड़िया की इन्होंने शादी कर दी। और महिलाओं के लिए यह संदेश ये देना चाहती हैं कि जो भी महिला अपने घर तक सीमित है, जो महिलाएं अपने घर तक सीमित हैं वो बाहर निकलें और अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। मैडम ईशा कपूर मैडम अगर हम बात करें आपकी डेली इनकम की बात करें तो क्या घर का गुजारा चल जाता? अभी थोड़ा हाँ ठीक है, पहले से फर्क है। और आप कितना टाइम देती हैं अपनी शॉप पे? मैं सुबह 8 बजे आती हूँ, शाम को 6 बजे आती हूँ। और पीछे आपके जो बेटा जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो एक्सीडेंट में, बेटा चल नहीं पाता वो, उसको उसकी लेग जो है वो एक्टिवेशन है तो वो सिर्फ वो थोड़ा सा चल पाता है और ऑटो चलाता है वो, तो उसकी देखभाल। अच्छा वो ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, पर वो चल नहीं पाता। तो आप यहाँ पे सुबह 9 बजे आते हैं? 8 बजे आती हूँ। सुबह 8 बजे जाते हैं और 8 बजे से लेके 6 बजे तक, 8 बजे उसके बाद अपना घर संभाल, घर का काम करती हूँ। तो पीछे से बेटे की रोजी रोटी, बेटा सड़क पे रहता है? बेटा हाँ चल, फिर अब वो अपने मतलब उसको साथ ही आना पड़ता है, साथ ही जाना पड़ता है। घर में आपके और कौन कौन से सदस्य? दोनों ही हम, माँ बेटा है। हाँ जी। देखिए इनके घर में सिर्फ ये इनकी ये ईशा कपूर जी, उनका एक बेटा है जो कि किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वो अब ऑटो चलाता है, उनकी एक टांग काम नहीं करती। लेकिन मैं और समाचार एक्सप्रेस की टीम इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि जिस तरह से इनका बेटा दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी ऑटो चलाता है, दिन भर काम करता है, उसके बावजूद भी ईशा कपूर जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार काम करती रहती हैं, लोगों की सेवाएं करती हैं, लोगों का पेट पालती हैं, लोगों का पेट भरती हैं, परोंठे बनाती हैं। इनका ये भी कहना है कि इनके पास दूर दूर से लोग परोंठा खाने के लिए आते हैं और इनकी मैगी बड़ी पसंद है लोगों को, इनका परोंठा बड़ा पसंद है। हम यही कृपा करेंगे, हम यही परमपिता परमात्मा से अपील करेंगे कि इनका जो भी काम है वो लगातार बढ़ता रहे। इस समय दोबारा से तरुण मैदान आपके सामने हूँ और आपको मैं बता दूँ कि इस समय फिर दोबारा से 12 सेक्टर में हूँ और मेरे साथ एक और महिला मौजूद है। मैम सबसे पहले आपका नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम मुकेश है। मुकेश आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं गाँव बिलोना से रहने वाले हूँ। गाँव बिलोना। मैडम आप ये काम कब से कर रही हैं? मेरे को हो गया जी 7-8 साल हो गए। नहीं ऐसी क्या मजबूरी पड़ेगी घर के जो वो थे, जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो मर्द हैं उनको छोड़ के आपको सड़क पे आना पड़े, आपको सड़कों पर ठेला लगाना पड़े या सड़कों पर काम करना पड़ा, इसके पीछे आखिर क्या मजबूरी रही? पहले तो वो मेरे साथ ही थे, अब 1 साल से उनकी डेथ हो गई है, रोड एक्सीडेंट हो गया जी उनका, कोई मार के चला गया गाड़ी वाला। तो आप क्या क्या बनाते हैं आप? अब चाय रोटी परोठे पकौड़े वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर किसी तरह कोई परेशानी आती है आपको? हाँ जी परेशानी। कैसी परेशानी आती है? डर लगता है रेडी लगाते हुए भी, कभी डर लगता है अभी ना लगाऊं, कभी दिल करता है लगा लूं। नहीं वजह? वजह है जी कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी कमेटी वाले आते हैं, वो धमकी दे के जाते हैं, कहते हैं भाई या तो सामान उठा लो यहाँ से या फिर हम उठा के ले जाएंगे। कभी ऐसा हादसा हुआ कि आपके साथ? हुआ है जी, एक बार मेरा सामान उठा के ले गए थे। फिर वापस कैसे मिला वो? बस वो फिर लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, फिर उन्होंने जाके वापस फिर दिया है। और अब आपको आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं?
कमाने वाली बस मैं ही हूँ जी, जो मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं। कितने साल, कितनी उम्र है बच्चों की? एक बड़ा लड़का है वो 17 साल का है, छोटा लड़का है 16 साल का है। 17 साल का, एक 16 साल का बच्चा, एक गुड़िया है। अच्छा, गुड़िया, गुड़िया कितने साल की है? गुड़िया 19 साल की। गुड़िया बड़ी है, बेटे छोटे हैं। और मैम अगर हम बात करें इस काम की, तो इस काम से आपका परिवार चल जाता है? चलता तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी करते ही हैं थोड़ा बहुत, जैसा भी परमात्मा दे रहा है अपना, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इसको रात को समेट के कैसे जाते हो, कितने से कितने बजे तक आप काम करते हो? 5:30 बजे तक। और सुबह कितने बजे आते हो? 8:30 बजे। तो इसमें जो खर्चा हुआ था, पहले आपके हस्बैंड आपके साथ थे, इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है मैडम, उसके बाद से ये इस काम को बढ़ाने में, आपने इस काम को बढ़ाया या कैसे उसी काम को सुचारू रूप से चालू किया? बस घर से जब जी चला जाता है जी, बढ़ता कहाँ है काम, फिर तो घटता ही है, फिर बढ़ने की तो बारी है ही नहीं। देखिए ये थे हमारे साथ मुकेश रानी बुलोना से। मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हाँ जी, ना ही पेंशन बन दी है, ना ही सरकारी कोई अभी तक कोई किसी तरह की सहायता मिली है। देखिए इन्होंने अपने मुंह जबानी बताया, इन्होंने अपनी जबानी बताया कि इस तरह से इनको सरकार से निराशा है। इनका सम्मान कभी नगर पालिका उठाने की धमकी देती है, कभी नगर निगम उठाने की धमकी देती है, कभी कोई आके इनको धमकी दे जाता है। एक बार इनका सम्मान उठ भी गया था, लेकिन बावजूद इनके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से चाय पकौड़े का काम करके अपने और अपने 3 बच्चों के पालन पोषण कर रही है। इनकी गुड़िया बड़ी है, 2 बेटे छोटे हैं, 17 साल 16 साल इनके बच्चों की उम्र है और गुड़िया इनकी 19 साल की है। मैडम अभी एक चीज़ बताइए, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं आपको उनकी टेंशन भी होगी, बच्चों तो को स्टैंड भी करना, कौन करेगा, कमाने वाली मैं अकेली हूँ घर में और कोई है नहीं। देखिए इनके घर, इनका ये कहना है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ अकेली हैं और इनके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों की चिंता है। चिंता आप इनके माथे पर देख सकते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका ये जो, इनका जो ठेला है या इनकी जो रेडी हम जो कहें, तो किस तरह से आप देख सकते हैं, पकोड़े भी हैं, धूप बत्ती भी लगी हुई है। इस समय शाम का समय है, सिर्फ धूप बत्ती इसलिए लगी है ताकि कोई मक्खी मच्छर यहाँ पर आकर ना बैठे। इसके अलावा मैं इनको बता दूँ, इनकी सरकार से निराशा इसलिए है क्योंकि अभी तक इनकी ना तो कोई पेंशन, मैडम विधवा पेंशन भी नहीं बनी, नहीं बनी सर अभी तक। क्या कारण बना? पता नहीं जी, फार्म जमा कर रखे हैं, पता नहीं बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे। नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया? वैसे तो लॉकडाउन के चक्कर में 10 महीने तो वैसे ही हो गए उनको, 10वां महीना लगा है ये तो। पहले तो लॉकडाउन था और 1.5 महीना वहाँ जो ऑनलाइन होती है वहाँ पे लग गया 1.5 महीना। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? जोगिंदर। देखिए जोगिंदर जी जो 1 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए थे, उनकी पत्नी विडो हो चुकी हैं, विधवा हो चुकी हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते 10 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं बंधी। इनके माथे पर आप चिंता की लकीरें आप साफ देख सकते हैं। इनके पास 3 बच्चे हैं, सबकी उम्र लगभग बराबर है, कोई 19 साल का, कोई 17 साल का, कोई 16 साल का। उनके भविष्य की चिंता इनको सताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार काम पे लगी है। मुकेश जी आप ये बताएंगे, आप सुबह कितने बजे जाते हैं और कितने बजे जाते हैं? 8:30 बजे। और जाते कितने बजे? शाम को 6 बजे। जब आने वाले दिनों में सर्दी हो जाएगी, 5 बजे चले जाएंगे सर, तो पर आने जाने में परेशानी? परेशानी तो इधर ही बस पास में रह रही हूँ मैं। अब आपके साथ दुकान पे हेल्प करने के लिए कौन होता है? कोई नहीं जी, मैं अकेले हूँ। आप अकेले ही करते? हाँ जी, बेटा वो खेलता है, छोटा लेके जाना, अकेले कर रहे हैं जी, अकेले कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि महिला सशक्तिकरण क्या होती है। महिला सशक्तिकरण ये है, ये अकेली महिला है। इससे पहले हमने आपको एक और महिला से मुलाकात करवाई थी, ये एक और हमारे सामने एक महिला, ये महिला सशक्तिकरण का संपूर्ण उदाहरण है। इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, ये अपने दम पर, ये अपने बल पर, अपने दम पर और अपने बल पर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर। सरकार की तरफ से इनको आज तक कोई मदद नहीं मिली, इनकी अभी तक पेंशन नहीं बनी, जबकि इनकी पति की डेथ को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान इनको कई कई बहाने मिले, अब ये सुबह आती हैं जल्दी और शाम को जाती जल्दी, लेकिन सबसे भविष्य में चिंता इस बात की कि आने वाला मौसम जो है वो सर्दी का मौसम है। ऐसे में वो महिला जो बेचारी सुबह गांव से आती है और शाम को उनको अंधेरे में जाना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा? आप देख सकते हैं इनके ठेले पर भी किस तरह से पकौड़े भी लगे हैं, सब कुछ लगा, ये सारा काम। मैडम एक चीज़ बताइए, काम चल रहा है या नहीं चल रहा? बस ऐसा है सर, कभी 5 चाय बिकी, कभी 10 बिकी, बस ऐसा ही है काम तो ठीक ठाक। अब आपको कितना समय हो गया यहाँ? तो 1 साल हो गया, संडे मार्केट में थी दुकान, उधर 4-5 साल हो गए थे, 1 साल इधर हो गया। अभी आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं?
बस संतुष्ट हैं जी, किसी के पास मांगने नहीं जाते, अपना कमा रहे अपना खा रहे हैं। देखिए ये है महिला सशक्तिकरण का जवाब, महिला का जवाब कि किसी का मांगने नहीं जाते, अपनी मेहनत से काम करते हैं, काम चल जाता है तो गुजारा खा पी लेते हैं, नहीं लेता अगर काम नहीं चलता तो भूखे भी सोना पड़ सकता है। मैं आपको एक बार बताऊंगी, सरकार को इन महिलाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां महिला एक तरफ सशक्तिकरण का जवाब देती है, महिला सशक्तिकरण की बात देती है, ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण को सलाम करना चाहिए। मैं अपने सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ और समाचार पूरे एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ ऐसी महिलाओं को नमन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, इनके पालन पोषण के लिए और इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो भी ज़रूरी कदम है वो ज़रूर उठाएं। जैसे कि महिला ने बताया कि इनका एक साल से पेंशन नहीं बना, ऐसी महिलाओं के पेंशन और ऐसी महिलाओं के आधे अधूरे काम प्रायोरिटी बेस पर पूरे होने चाहिए। मैं एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से ऐसी महिलाओं को नमन करता हूँ कि जो कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपना सब कुछ खो जाने के बाद भी, क्योंकि एक महिला अपना सब कुछ तब खो देती है जब उसका सिर पे उसका साया नहीं रहता, जब उसका सिर पे उसका आदमी नहीं रहता। ऐसी महिलाएं हमने आपसे दो महिलाओं से ऐसे आपके मुलाकात करवा दी जिनके घर पर, जिनके सिर पर उनकी साया नहीं है, उनका आदमी नहीं है। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ऐसी महिलाओं को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार को भरपूर सहयोग देना चाहिए, सरकार को भरपूर ध्यान देना चाहिए। मैं तरुणदान सनी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.